Vande Guru Padadandam Bhaktavinda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Vande Nitta Ananda Sahoditam Sri Nanda Nandanam Vande Radhika Charanodayam Gopijana Samayuktam Vrindavanam Vāñcha-kalpa-vattaru-vaśya-kipāsindhu-vevacu Padidānaṁ pāvanibhva-viṣṇavibhyo namo-namah Mūkaṁ karoti-vācālaṁ pangung langhaita-giriṁ Yat-kipātam-haṅga-bandhi-paramānanda-mādhavam Vṛndhāvaitulsi-debvai-piyāvai-keśavasya-ca Śna-bhakti-pade-devi-sattva-vattvai-namo-namah Narayana Namaskritta Naran Chaiva Narottama Devin Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadesha Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varun Deyam sada paribhavagna bhavishtaduham Tethas padam siva virinchinutam Saram saranyam Vitatiham panadabal havadibhutam Bande mahapurusate charana ravindam Yat pada pallavana kachandamani chataya Visvurijitakimapikapodukshvadarshi Purunanuragrasasagrasaramurti Saradhikamai kadakifam karush Sri Krishna Chaitanya Prabhunita Ananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vinda Sri Krishna Chaitanya Prabhunita Ananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajahn Lambita Bhujau Kanaka Vodatu. Sankirtanai kapitaro kamala yatakshu Visham varo dija varo jugadharma palo Bande yagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Vandito Dibha Rupam Bhuktim Cha Muktim Cha Dadasi Nityam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tobam bhagam Narayano priyam ananga madha puharam Varanasi purapati bhajavi shanatham Vagi sajusho vadane Lakshmi yaksa chavakshasi Yasyaste hide sambhid Tvam nishingam aham bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Nāstha dharme na basu nichayoy naivo kāma bhoge
यद्भाव्यं तद्भवतु भगवान् पूर्वकर्मानुरूपम् एतात् पार्थं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि तत्पादसं तत्पादाम्बरोहजुगगता निश्चला भक्तिरस्तु नास्थधर्मे न च वसुनिचये नैव कामभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवान् पूर्वकर्मानुरूपम् एतात् पार्थं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि तत्पादाम्बरोहगत तत्पादाम्बरोहो जुगगता निश्चला भक्तिरस्तु गौड़ीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ आवर सोल। गौड़ीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ आवर सोल। हमारा आत्मा का जो स्वाभाविक वृत्ति है ये भक्ति है। दुनिया में सबसे आसानी काम कौन चीज है अगर कोई पूछे तो उत्तर ये आता है सबसे अच्छा आसानी काम है भक्ति करना। भगवान का चरण में भक्ति करना सबसे आसानी काम है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन ये सबसे आसानी काम होने का बावजूद कोई जीवात्मा बद्ध जीव भगवान का चरण में भजन करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न किया, प्रभुपाद जी हमारा ये जो जड़ जगत में जो भोग बुद्धि है एंजॉयिंग मूड किसी भी हालत से, ये ऐसा एक क्रॉनिक डिजीज है, ये जाते जाते जाता नहीं बिल्कुल चला गया लगता है फिर भी गया नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी जगत गुरु को किसी ने प्रश्न किया, भक्तों ने, हम लोगों का अंदर में जो भोग बुद्धि है एंजॉयिंग मूड है कब जाएगा। पहला बात तो ये है, प्रभुपाद जी अक्सर बोलते थे नौ निर्विन्न नाति शक्त भक्ति भक्ति योग अश्व सिद्धि दो। प्रभुपाद अक्सर कहते थे ये बात, व्याख्या करते थे नौ निर्विन्न नाति शक्त भक्ति योग अश्व सिद्धि दो। कश्यो भक्ति योग अश्व सिद्धि दो, उसका ही भक्ति योग सिद्धि होता है जिसका मेटेरियल एंजॉयमेंट में लगन नहीं है, अटैचमेंट नहीं है और फुल्ली डिटैचमेंट भी नहीं वो दिखाना चाहता है। कहने का मतलब है अनासक्त स्व विषयान यथारहम उपयंजत, ये जो श्लोक है और प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनो, ये दोनों श्लोक शिल रूप सिंह पात श्रील रसामृत सिंधु में दिया है हमारा मंगल के लिए, हमको समझाने के लिए। अगर आप सोचो कि मैं एंजॉयर हूँ भोग करने वाले हूँ, ये गलत बात है। जगत में भोग करने का कोई चीज़ है ही नहीं। बद्धजीवों का जो मैटर है ये मैटर जो है मेटेरियल चीज़ है। पहले भी ये सवाल उठा था, जब आप बार बार कहते रहते हो कि आत्म वस्तु का साथ ये दुनिया का कोई रिश्ता नहीं है, बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं, आप ये बात अक्सर कहते रहते हो जो आत्म वस्तु का साथ ये जड़ जगत का किसी भी हालत से कोई संबंध है नहीं, बस ये एंजॉय में भोग करने का प्रवृत्ति जो है हमको ये मुसीबत में डाल दिया।
ये जगह मेरा जगह नहीं है, यहां जाएगा ये जो जगत है ये मेरा रहने का जगह नहीं है, ये मेरा रहने का जगह नहीं है, तो गिर गया, ये तो गिर गया, इसी अवस्था में गिर गया, ये जगह रहने का जगह नहीं है, अपना कर्मफल के अनुसार मैं गिर गया हूं। अक्सर ये बात चलती रहता है कि आत्मा वस्तु का साथ ये मेटेरियल जगत का, ये जड़ जगत का किसी भी हालत से कोई संबंध नहीं। मेटेरियल जगत में ऐसा भी चीज है वो सूक्ष्म रूप में रहता है। मेटेरियल जगत में जैसे मन को मैटर बोला जाता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में मन को मेटेरियल बोला जाता है, मेटेरियल माइंड ब्रेन सब मेटेरियल है, तो सूक्ष्म रूप में ये मैटर, इसका स्वीकृति दिया भगवान ने, स्वीकार भी किया, भूमि राप अनलो वायु खंग मन बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में प्रकृति प्रकृति राष्ट्र था। भगवान ने ऐलान कर दिया कि 8 किस्म का डिवीजन है मेरा प्रकृति का, चाहे आप पकड़ पाओ और नहीं पकड़ पाओ, मेटेरियल ब्रेन है, मेटेरियल माइंड है, गुरु वैष्णव को भी मेटेरियल समझता है, तमाम चीज जो है उसको ये जो मेटेरियल ब्रेन मेटेरियल माइंड है ये इसका ऊपर विचार करते रहता है। माइंड का काम है संकल्प विकल्प, बुद्धि का काम है डायरेक्टर है डिसीशन लेना, ये चलते रहता है, ये अनजाने में चलते रहता है हर वक्त। इसी कोई हमारा शरीर मेटेरियल है, 5 भौतिक है, खेती अभौतिक मरुद बोम, हमारा माइंड मेटेरियल है, हमारा बुद्धि मेटेरियल है, सारे मेटेरियल है, एकमात्र हमारा जो चिन्मय आत्मा है ये मेटेरियल नहीं है। आत्मा तो मेटेरियल नहीं है लेकिन ये सब मैटर है। तो कैसे लगता है कि ये शरीर मेरा है, शरीर का साथ जोड़ा हुआ जो संपत्ति है सब कुछ है, इसमें लगन ऑटोमेटिक लग जाता है, बिना बुलाए लग जाता है, अटेंशन से फुल अटेंशन, जरा सा भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सवाल आए तो इतना होशियार हो जाता कि हमको कोई चीट न कर सके। लेकिन परमार्थ का विषय में तमाम जिंदगी गुजर गया, मौत का घाट उतारने का टाइम भी आ गया, लेकिन होश नहीं आ रहा है क्योंकि सत्संग नहीं हो रहा है, सत्संग नहीं हो रहा। महाराज हम तो कथा सुनते हैं सत्संग नहीं, भक्तगोविंद ठाकुर जी कह रहे हैं सज्जन तो सुनने में, हम इसको प्रकाश भी कर रहे हैं बहुत जल्दी, ऑर्थोडॉक्स सरस्वत गौड़ीय वैष्णव परंपरा गुरु परंपरा एंड द डिविएशन डेवलप्ड, ये बहुत जल्दी निकल रहा है, सारे जितना सारे उठपटांग है इसका जवाब है, इसमें प्रचार क्या चल रहा है, धूम मचा के जगत में पाचार चल रहा है कि प्रचार चल रहा है, पाचार क्या चल रहा है, प्रचार अगर चल रहा है तो क्यों हमारा तरक्की नहीं हो रहा है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उत्तर दी, ये जगत में जगन्नाथ साधु संतों को रखा है हर वक्त, बस मैं अंधा हूं इसीलिए देख नहीं पाता हूं कौन साधु है कौन नहीं है, क्योंकि मेरा मेटेरियल ब्रेन है, मेरा रेशनैलिटी है, जो कि विचार है सब मेरा मेटेरियल चीज लेकर साधु को एस्टिमेशन करने लग जाता हूं। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि साधु हर वक्त है जगत में, जगन्नाथ का हिम्मत नहीं है कि जगन्नाथ क्या है, जगन्नाथ का हिम्मत नहीं है कि जगत में 2-4 साधु को छोड़ दे हमारा उद्धार के लिए, जगन्नाथ ऐसा निकम्मा है, हैं? भक्तिविनोद ठाकुर बोले नहीं, जगत में हर वक्त साधु है, मेरा अंधापन है
इसलिए साधु कौन है, कैसा है, लक्षण क्या है, उसका क्रियाक्रम क्या है, बोलचाल कैसा है, समय में नहीं आता। और एक बात भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताए कि हमारा सामने से साधु गुजर गया। ये साधु का साथ बहुत बार मैंने देखा भी हुआ, दो चार रुपया प्रणामी भी दिया और मिठाई भी दे दिया महाराज जी को, लेकिन समझ में नहीं आया कि ये महाराज पक्का साधु है 100%, ये समझ में नहीं आया। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं हमारा जिंदगी में ऐसा भी होता है, हम साधु संतों के सामने आ गया ठाकुर जी का कृपा से, लेकिन इतना बुद्धि खराब है, इतना कपट भाव है कि साधु का सामने रहते हुए भी मैं वंचित हो गया। साधु का सामने बामन गुस्से में पकड़ थे, अरे क्यों कौन है ये, क्या है ये, क्या साधु है, क्या कितना बड़ा साधु है, किसी को समझ में नहीं आया था, किसी को समझ में नहीं आया था कि इतना बड़ा साधु है तीर्थ महाराज जी, किसी को समझ में, बोका समझा, बोले ये बोका है, फुलिश है, किसी को समझ में नहीं आया ये इतना बड़ा साधु है, कितना ऊंचा इसका भावना है, किसी को समझ में, सब सोचा बोका है, गुरु जी को बोका बनाएंगे, ऐसा विचार लेके साधु संग किया, इसलिए दिखा भी लिया, साधु संग करने का भी बहाना बनाया, सब कुछ किया, कुछ नहीं छोड़ा, फिर भी तरक्की हुआ नहीं। भक्तिविनोद कह रहे ऐसा भी होता है, साधु का संग हुआ, साधु का सामने आया, साधु का कथा सुना, साधु को देखा है, सब कुछ किया, बातें भी किया, फिर भी समझ में नहीं आया कि साधु है, क्योंकि मैं कपट हूं। ये कपट भाव होने के कारण मैं साधु का सामने जाकर भी संपर्क में आने का बावजूद मैं वंचित हो गया। इसको साधु संग बोला नहीं जाता। याद है गुरुजी रहते समय जितना सारे बड़े बड़े वैष्णव थे, अहोभाग्य की बात है, ये लोग प्यार करते थे, स्नेह करते थे, यही तो मेरा संपत्ति है, अपना जिंदगी का सारे कहानी बताते थे भजन का, ये मेरा संपत्ति बन के रह गया, बाकी कुछ नहीं है मेरा, खाली हूं, ये संपत्ति बन के रह गया मेरा जिंदगी में, ये लोगों का प्यार, ये लोगों का जो विचार बताया था, गप करते करते सारी जिंदगी का कहानी बताया, बहुबत का समय क्या हुआ करता था, और लास्ट श्रील भारती महाराज जी तो बहुत कुछ बताते थे, बहुत। अब ये सब साधु तो चला गया, और अगर हम कहे कि आज साधु नहीं है तो साधु संग कैसे करें, तो मेरे से बढ़कर बदमाश कोई नहीं, आज भी साधु है, काल भी रहेगा, लेकिन मेरा कपट भाव के कारण समझ में नहीं आता कि कौन साधु है नहीं है, ये साधु कैसे हो सकता, मामूली सी जैसा लगता है, ऐसा करके वंचित हो गया। श्रील प्रभुपाद जी का कहना है नौ निर्विन्नो नाति शक्तो भक्ति योगो अस्सु सिद्धिदो। अर्जुन जो बहाना बनाया जो मैं तो ये युद्ध नहीं करूं, ना 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 युद्ध करके क्या करूं यार, राम राम काटा पीटी हो तो ठीक नहीं है, उन्हों मैं भिक्षा करके गुजारा करूं। तमाम दुनिया सोचा कि अर्जुन कितना महान है, अर्जुन भिक्षा करके गुजारना चाहिए, अच्छा ही है, तो कृष्ण का क्या पड़ा था, कृष्ण क्यों जोर जबरदस्ती, नहीं युद्ध करो उठो, क्या बात है, तो गीता में क्या गलती लिखा हुआ है, या महाराज अर्जुन त्यागी बनना चाह, ये तो अच्छा था, ये क्या कर दिया भगवान ने, बोले नहीं उठो युद्ध करो, ये क्या बात है, तो भगवान श्री कृष्ण ने गलती बता दिया ना, जो गीता पढ़ते हैं जितना सारे मूर्ख लोग गीता पाठ करते हैं, गीता में यही विचार आता है, फॉरेन में इधर उधर में जितना जर बोल उधर ही, ये तो लिखा हुआ है भगवान कह रहे हैं, हैं? पर तुम अपना अंदर में जो तक्तोत्तिष्ठ परंतपः
हृदय दौर्बल्य, हृदय का जो वीकनेस है इसको हटाओ। क्लैव्यम मस्मा गण पार्था, क्लैव्यम मस्मा गम पार्था न एतत्तई उपबद्धते, ये तुमको शोभा नहीं देता। क्या बात है, तुम वीर हो सभ्यसाची, उठो युद्ध करो। ये बताया तो तमाम दुनिया का कंक्लूजन अगर ये हो जाए तो अर्जुन तो अच्छा ही था, त्यागी बनना चाहा को, और भगवान ने जोर जबरदस्ती युद्ध में लगा दिया। कैसा भगवान है गीता का क्या उपदेश है? हाँ, गीता का रहस्य का ध्यान इतना गंभीर है जे इसमें शिल अद्वैत गोसाई महाविष्णु जगत कर्ता मयाया जो सृजति अदह तस्यावतार एव अयम अद्वैत आचार्य ईश्वर। ध्यान देना, ये कोई मामूली कोई नहीं है। शिल अद्वैत गोसाई साक्षात महाविष्णु जगत कर्ता, महाविष्णु जगत कर्ता मयाया जो सृजति अदह तस्यावतार, महाविष्णु का साथ ये अभिन्न है, निमित्त कारण और वस्तु कारण जो है, निमित्त कारण एक है और एक वास्तव जो निमित्त कारण ये महाविष्णु है। मायाध्यक्षेण प्रकृति स्वयति चराचरम, मेरा इक्षण कर दिया प्रकृति के गर्भ में, ये निमित्त कारण। और वास्तव जो वस्तु कारण जो है ये अद्वैत गोसाई। तो ये अद्वैत गोसाई भी नवद्वीप धाम में शांतिपुर में बैठ के गीता प्रवचन करते थे, और गीता प्रवचन करते करते किसी जगह अगर व्याख्या का स्फुरण नहीं हो पाता, इसका क्या माने हो सकता है? एग्जैक्ट माने तो बहुत कुछ हो सकता, सर्वम भट्टाचार्य को बताओ कि 100 माने निकल देगा, इतना बड़ा पंडित है सर्वम भट्टाचार्य जो बृहस्पति है, इसको गीता का व्याख्या करना, महाराज हम व्याख्या करते एक श्लोक का 100 व्याख्या करते। महाप्रभु का सामने व्याख्या किया ना, आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथ अप्योरो क्रमे हैं कुरुवंति अहित किं भक्ति इत्थम भूत गुणा हरि, 18 किस्म का व्याख्या महाप्रभु जी ने दिखा दिया। और सर्वम भट्टाचार्य जी तो बहुत व्याख्या किया, 10-12 किस्म का। महाप्रभु बोले आपने व्याख्या किया लेकिन ये व्याख्या जो है ये आपका पंडिताई का बल है, ये भक्ति नहीं है। आप जो व्याख्या निकाल दिया, इतना व्याख्या निकाल दी, ये पंडिताई का कसरत है। प्रभुपाद अक्सर कहते थे हमारा जो सिद्धांत विचार जो इट इज नॉट जिम्नास्टिक फिट्स, कि हम बारबेल उठा के अपना मसल को एकदम तगड़ा बना देंगे। पोपा जी मजा करके कहते थे क्या सिद्धांत विचार कोई जिम्नास्टिक फिट्स नहीं है, क्यों हमारा ताकत है हम कर देंगे, क्या है ऐसा नहीं है। ये पूरा कृपा के ऊपर आधारित है, जिसका ऊपर जितना गुरु वैष्णव का कृपा वर्षा हुआ है वो उतना ही तगड़ा बन जाए सिद्धांतों में। गलती सिद्धांत तो बिल्कुल संभव नहीं है। अद्वैत गोसाई जी ने इच्छा करके ये लीला करके दिखाई, कभी कभी गीता का कोई विशेष श्लोक का व्याख्या स्फूर्ति नहीं हो रहा। अद्वैत गोसाई ने पानी दाना पानी बंद करके लेट गया, बोले हम खाएंगे नहीं पिएंगे कुछ नहीं करेंगे जब तक ये गीता का ये अर्थों का स्फूर्ति ना हो जाए। ठाकुर जी का क्या खेल है, अद्वैत गोसाई उपवास है, बिना पानी बिना प्रसाद, और यहाँ ठाकुर जी का बेचैनी बढ़ रहा है। ठाकुर जी सपने में आया, बोले उठो पानी दाना पानी ले लो प्रसाद ले लो, ये श्लोक का ये व्याख्या है। अच्छा ठीक है, तो अद्वैत गोसाई ने खुश होकर उठा, नहा धोवा करके भोजन पानी किए, प्रसाद ग्रहण किए। अगर अद्वैत गोसाई महाविष्णु हैं, हम कौन होते हैं?
अगर अद्वैत गोसाई महाविष्णु है, साक्षात अद्वैत गोसाई है, गौरंग महाप्रभु है का अभिन्न है पंचतत्मा, ये गौरंग महाप्रभु ही है अद्वैत गोसाई के रूप में, ये तो लीला करके दिखाए। तो गीता का उठपटांग व्याख्या अगर करे कोई निराधार व्याख्या, इसका कोई आधार नहीं है, ये ठीक नहीं, शोभा नहीं दे। इसीलिए पोपा जी कहते थे सिद्धांत विचार ये भक्ति का अंग है, सिद्धांत विचार भक्ति का बाहर नहीं है, भक्ति का अंदर, विद इन द कैटेगरी ऑफ भक्ति। भक्ति मतलब एक्शन, कोई क्रिया करे, कोई कीर्तन करे, कोई श्रवण करे, कोई सेवा करे, कोई कुछ भी करे, ये तो ठाकुर जी का जो श्रवण कीर्तन सब करे ये भी तो भक्ति हुआ। तो सिद्धांत विचार ये भक्ति है, ये पाखंडी आदमी का अंदर स्फूर्ति प्राप्त कैसे करे, वो संभव नहीं है। प्रभात अक्सर कहते थे नौ निर्विन्न नाति शक्तो भक्ति योगो अस्व सिद्धि दो, भक्ति योगो कस्व सिद्धि दो, सिद्धि दो माने सिद्धि दाता किसको दे, बोले जिसका विषय में घृणा भी नहीं है और विषय विषय में आकर्षण भी नहीं है। बोले कैसा बात है हमारा, हमारा अगर अटैचमेंट नहीं है ठीक है, अटैचमेंट माने अटैचमेंट होना तो ये तो ठीक नहीं है, नहीं डिटैचमेंट होने से तो अच्छा ही है हमारा, नहीं अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों को ही फेंकना पड़ेगा। इसीलिए रसामृत नेक्स्ट, अब तो बहुत हरिकथा का बहुत मुश्किल हो रहा है नेट के कारण, बहुत कुछ कर कहने का इच्छा बहुत हो नहीं पाया, इसलिए आज जल्दी ये सब करना पड़ेगा, हो सके तो नेक्स्ट वीक इसका बारे में चर्चा करें। भक्ति योग का, भक्ति योग का एकदम सबसे सीक्रेट चीज है अनाशक्त से विषयानो यथारहुम पुयुंजतो श्लोक और प्रापंच कतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तन हो, ये दोनों अगर समझ में आ जाए तो अर्जुन क्या कोई भी आदमी, अर्जुन क्या दूर की बात, हम कोई भी आदमी भक्ति में प्रतिष्ठित हो जाए। सबसे बड़ा सीक्रेसी युक्त वैराग्य का इसी में है, जो कहने के लिए प्रस्तुत होया था। अतर अगर लगे कि ठाकुर जी क्यों उसको युद्ध में लगाने के लिए है ना पीछे पड़ गया, ये तो गलत किया, ये विचार ठीक नहीं है। गीता ओपन टू ऑल, पूरा पृथ्वी के लिए खुला है, तमाम संप्रदाय, यहां तक कि मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम भी, मुस्लिम भैया भी जो लोग भी पढ़ते रहते हैं, हर कोई नहीं, कोई कोई पढ़ते रहते हैं, क्रिश्चियन भी, हर आदमी गीता का अंदर में एवरग्रीन स्पिरिचुअल साइंस बढ़ा हुआ है। अगर अनुगत्य के बिना कोई पाठ करे तो गलत फहमी हो सकता, उल्टा व्याख्या हो सकता। अगर अर्जुन को बोला जाए, अर्जुन सबसे बड़ा त्यागी है, तो भगवान ने बोला नहीं ये गलत है, भगवान ने अर्जुन का बीमारी को पकड़ लिया, भगवान ने अर्जुन का जो बीमारी है पकड़ लिया, इसीलिए भगवान ने फटकार दिया, बोला त्यक्त तुष्ट परंत भाव, हृदय दुर्बल लो, ये वैराग्य नहीं था। बहुत आदमी ऐसा होता है कि घर छोड़ के चला जाता, फिर 15-20 दिन बाद घूम घाम के फिर घर में आया है, ऐसा होता है। इसको बोलता है, हमारा गुरुवर्ग बोलते थे ये शमशान वैराग्य, इसको बोलता है शमशान वैराग्य, शशान वैराग्य बंगला में, शमशान वैराग्य, ये वैराग्य पक्का नहीं है, आ गया वैराग्य, कोरा उठपटंग हुआ, धक्का लगा, कोरोना के कारण इनकम कम हो गया, घर में धक्का लगा, वो चलो चल जाए साधु बन जाए। अरे साधु बनना उतना इजी नहीं है, उतना इजी नहीं है, हैं भक्ति मोहन ठाकुर जी ने बताया ना, इसीलिए अभी अभी बताया था, यह हमारा कपट भाव के कारण साधु संग हो नहीं पाता, इट इज वन काइंड ऑफ है ना बैरियर, सबसे बड़ा ये विपत्ति है, साधु संग होता नहीं। और हर कोई को साधु समझे ये भी विपत्ति है, इसमें भी एकदम ही खत्म होने वाला है,
श्रुति श्रुति पुराण आदि पांचरात्रिक विधिंग बिना वैकांत के हरेर भक्ति उत्पात ही वो कल्पत। इसका व्याख्या भी प्रकाशित हो रहा है। कोई अगर सोचे बेस साधु है, कोई अगर सोचे इसका जो बहुत कैपेसिटी है ये साधु साधुत्व तो है, हैं? ये गलत है। साधु ऐसे नहीं बनता, साधु को नापा नहीं जाता, सिर्फ इसका सेवा का जो भाव है, गुरु वैष्णव के लिए इसका जो प्यार है, इसका ऊपर डिपेंड करके भक्ति का विचार होता है। बहुत लेक्चर दे सकता है, बारे महाराज वो उसका बहुत कैपेसिटी है, पूरा सोसाइटी को अकेला चला दे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद का विचार के, प्रभुपाद का जो विचार है उसका मुताबिक ऐसा भी हो सके कि उसको सोसाइटी का बाहर फेंकना चाहिए, वो गंदगी फैल रहा है सोसाइटी में। आप बोले मैंने बड़ा सेवा करता है, अरे सेवा जानता ही नहीं किसको बोलता है, सेवा किसको बोलता है, किसी को मालूम है? मालूम नहीं। युद्ध क्षेत्र में आकर क्या अर्जुन का वैराग्य हो गया था? बिल्कुल नहीं। भगवान इसका चिकित्सा कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया, इसको क्लैब्यो क्लिप, क्लिप मतलब ना नारी ना पुरुष है, समझा मेरा बात? हिजड़ा भगवान ने इतना गाली दिया, क्लैब्यम अस्माक बना पाता, क्लिप हो तुम, अगर तुम मर्द मर्द होते तो दो चार है ना, अगर मर्द होते तो तुम युद्ध करके दिखाते, और नारी भी होते तो दो चार वीर वीर, तुम अगर नारी होते तो दो चार बच्चा पैदा करके दिखा देते, वो वीर बन जाता बाद में। मातंगिनी हाजरा, मातंगिनी हाजरा हमारा फ्रीडम फाइटर थे मेदिनीपुर से, मातंगिनी हाजरा वो अपना लड़का, भागवत में भी है ये, एक विदुला नारी महाभागवत महाभारत में है, अपना लड़का को गाली दिया, भाग यहां से, तेरा माँ भी कायर अगर मर जाए तो मेरा बदनामी खत्म हो जाएगी, जा युद्ध कर, हैं? युद्ध कर जा। मातंगिनी हाजरा को बताया गया आपका लड़का युद्ध में मरा गया, आपका लड़का जो है युद्ध में मरा गया, युद्ध में अंग्रेज का साथ ये लड़ाई हुआ था उसे मारा गया। मातंगिनी हंस के बोला अच्छा है, सदगति को प्राप्त हुआ, बोला है। ये लोगों का विचार है, जो भी है, इस विचार में मैं नहीं आ रहा है। देश के लिए प्राण दिया, अच्छा हुआ, चलो। तो यहां जो है भगवान ने अर्जुन का बीमारी को पकड़ लिया, ये बिल्कुल वैराग्य तो है ही नहीं, क्लैब्य है, कसमल है, अज्ञान है, ये क्षुद्र हृदय दुर्बल्य है, अज्ञान सम्मोह है, और इसीलिए बाद में बताया, देखो तुम कौन होते हो, तुम युद्ध करने वाले कौन होते हो, उसी का तो ग्यारह स्कंदों का तो व्याख्या हुआ, लेकिन ग्यारह स्कंदों का जो कंक्लूजन है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं हो पाया। ग्यारह स्कंदों तो खत्म हुआ, लेकिन ग्यारह स्कंदों का जो कंक्लूजन है, आउटकम है, इसका बारे में चर्चा नहीं हो पाया, ये जरूरी है। उसका बाद ही दशम, इसका बाद ही बारहवां स्कंद में प्रवेश होने का सवाल आता है। अगर ग्यारह स्कंद अधूरा रह जाए, विचार तो हुआ है, ठीक है, लेकिन व्हाट इज द कंक्लूजन, नेट आउटकम, कितना गंभीर रहस्य है, ध्यान है, इसको ध्यान लगा के समझना है। एकादश स्कंद में विश्व रूप दिखाया, क्यों दिखाए? अर्जुन जानना चाह ना, इसलिए भगवान दिखाए। अर्जुन विश्व रूप दिखना चाहा, जब भी भगवान ने कहे देखो उतना जान के क्या करोगे, अथवा बहु ने तेन किंग तेन अथवा अर्जुन, इतना जान के क्या करोगे, हैं? मानो कि भगवान कहना चाहता कि क्षुद्र जीव
तू अनंत का विषय में क्या जानकारी लेना चाहता है, कितना हिम्मत है तेरे अंदर में, कितना हिम्मत है तेरे अंदर में, तू अनंत के बारे में जानना चाहता है, इन्फिनिटी। जो जिसका बारे में सोचने से ही मगल पागल हो जाएगा, बद्ध जीव अनंत देव का साथ कनेक्शन कैसे जोड़े, वो तो अनंत है, मैं तो इन्फिनेटिसिमल, मैं तो इन्फिनेटिसिमल जीवात्मा, और इतना अनंत देव का साथ संबंध जोड़े कैसे, इस बारे में पहले भी चर्चा हुआ था। इसीलिए तो भगवान बलदाव जी महाराज गुरु रूप धारण करके मेरा सामने पहुंचते हैं। एकादश स्कंद में विश्वरूप देखा, घबरा गया अर्जुन, सब कुछ हुआ ठीक है, उसका पूरा वर्णन भी सुना, भगवान भी बताया देखो तुम्हारा हिम्मत नहीं, सब देखना सब कुछ हो गया। अच्छा इसका बाद मेरा क्या ड्यूटी है ये बताओ, अर्जुन कहे थे विश्वरूप देख दिया बस करो और दरकार नहीं है, अब मेरा ड्यूटी क्या है बताओ, कर्तव्य क्या है। भगवान बस देख ज्यादा विचार करने मत जाओ, तुम युद्ध करने वाले कौन हो दिखा दिया ना, अखंड काल का अंदर में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यहां तक कि कुरुक्षेत्र के तमें क्या होने वाला है ये भी तेरे को दिखा दिया, पर्दा खुल के देख अखंड काल है, अखंड काल का अंदर में सब कुछ है, जो तेरा जानकारी भी नहीं है कुछ भी नहीं है, सब अखंड काल का अंदर में सब है, मैं ही वो अखंड काल हूं, मेरा अंदर में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ है, कोई सेग्रीगेशन नहीं, सब है, सब दिखा दिया। अब क्या कर्तव्य है तुम्हारा, पहले निमित्त मात्र सब भव सब साचिन, तुम्हारा तुम कौन होते हो युद्ध करने वाले, तुम निमित्त बन जाओ, इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, कर्तापन डुअरशिप का अभिमान त्याग दो, सबसे बड़ा बंधन के कारण है, सबसे बड़ा बंधन के कारण है मैं करता हूं, मैं मेरा मैं करता हूं, ये सबसे बड़ा बंधन के कारण है, इसको फेंक दो, इसका गंदगी जब तक रहे, उस दिन चर्चा हुआ था ना कर्मार्पण में, कर्मार्पण तो अच्छा है वो ठीक है, लेकिन कर्मार्पण के द्वारा भी भगवान का अनुभव हो सकता है, लेकिन कर्मार्पण में बेसिकली जो पक्का नहीं हुआ कर्मयोग में, वो तो इसका अंदर में भगवान के लिए कर्म अर्पण कर देते हैं, लेकिन ये भाव तो इसका तो गंदगी आ सकता है, एक बूंद उसका अंदर में भाव आ सकता है कि मैंने तो कर्म किया था और ठाकुर जी को दे दिया, ये तो आ सकता है, ये आने का 100% पॉसिबिलिटी है, अगर 99% पॉसिबिलिटी हट गया 1% रह गया, अगर 1% भी चला गया 0.001% इसका पॉसिबिलिटी रह गया, तो तब तक भगवान का अनुभव संभव नहीं है, आई बात समझ में, इसमें रिक्स है। लेकिन जो द्वादश स्कंद में शुद्ध भक्ति के बारे में बताने जाए, इसमें कोई रिक्स नहीं है, बस भक्ति करो, गुरु वैष्णव में 100% विश्वास करो, उसका आज्ञा का पालन करो, कोई रिक्स नहीं है इसमें। इसमें एकादश स्कंद में बहुत सारे बताया, धावन निमृतवा नेत्रे नौ पतित नियो, ये सब बहुत बात बताया गया, आंखें बंद कर भी भगवत धर्म के रास्ते में भक्ति के रास्ते में आगे चले, इसको पतन स्खलन का कोई संभावना पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन करे तब ना इसको समझे तब ना, कोई स्खलन पतन का संभावना है नहीं, चाहे गृहस्थी हो त्यागी हो ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो कुछ भी हो, लेकिन ये तो समझे पहले, बिना समझे कैसे करे। निमित्त मात्र भव, ये सबसे बड़ा उपदेश है, तू कौन होते हैं, तू निमित्त बन जा बस यही कर और कुछ नहीं, कर्मफल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, पहले भी बता चुका हूं, कर्मण्य बाधिकारस्य मा फलेषु, ये सुना कि नहीं सुना अर्जुन को, अगर भगवान कहे तू सुना नहीं, मैंने कह दिया ना
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये सबसे बड़ा सीक्रेसी है। फल का चिंता मत करो, ये तुम्हारा क्या अधिकार है, फल देने वाला मैं हूं। जीवों का लिबर्टी दिया गया, जीवों का स्वतंत्रता है, जीवों का स्वतंत्रता जरूर है, जीवों का स्वतंत्रता जरूर है, बट अल्टीमेटली इट इज कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम लॉर्ड। जीवों का स्वतंत्रता जो है अल्टीमेटली भगवान का कंट्रोल में है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आता, बद्ध जीव समझते नहीं है ये बात। मैं स्वाधीन हूं और कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है करो, लेकिन तुम जानते नहीं हो अल्टीमेट कंट्रोलिंग इज इन द हैंड ऑफ भगवान। तुम्हारा चेंटी जो है पकड़ा हुआ है भगवान, तुम कहां तक जाओगे, कहां तक भागोगे, तुम्हारा चेटी पकड़ा हुआ है भगवान, पकड़े रखे हैं। जो भोग बुद्धि कैसे जाएगा, प्रभुपाद इसका उत्तर दिया है, साधु गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा जब अपने को भगवत सेवक समझने का अवसर आएगा, साधु गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा हमारा अंदर में भगवत सेवक बोल के जो जो भाव है, अनुभव है, ये भगवत सेवक बोल के जो अनुभव है ये समझ में आए, तभी हमारा मंगल का रास्ता खोल सकता है, इसका पहले नहीं, तभी मेरा मंगल का रास्ता खोल सकता है, उसका पहले बिल्कुल नहीं, इसका पहले मेरा मंगल का रास्ता बिल्कुल नहीं है। दिव्योज्ञान होने का साथ साथ दिव्योज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ऐसा बोल के कीर्तन करते रहते हो ना रोज, दिव्योज्ञान हृदय प्रकाशित हो, गुरुमुख पद्म वाक्य हृदय करिया क्यों न करियो मने आशा, इत्यादि बहुत सारे कीर्तन करते रहते हैं। गुरु जी बोलते थे कीर्तन का अनुभव का साथ करना चाहिए, कीर्तन तो करते रहते हैं लेकिन कीर्तन अनुभव का साथ होनी चाहिए, कीर्तन का साथ अनुभव नहीं, अनुभव होना चाहिए, कीर्तन गुरु वैष्णव का अनुभव करना चाहिए, त्रिनाद विभाव लेके कर्तापन फेंक करके, कर्तापन हटा के करना चाहिए, त्रिनाद विभाव नहीं होने से हरिकथा हरि कीर्तन होता ही नहीं बिल्कुल। दिव्य ज्ञान होने के साथ साथ हमारा भोग प्रवृत्ति, हमारा दुष्ट बुद्धि, हमारा दुर्गम दूषित जो विचार है वो सारे हट जाएगा। जब तक भगवान का सेवा, जब तक भगवान का सेवक ये विचार में प्रतिष्ठित ना हो जाए, जब तक भगवान का सेवक हूं मैं इस विचार में जब तक प्रतिष्ठित ना हो जाए, तब तक वैष्णवी प्रतिष्ठा आना संभव नहीं है। क्षमा करना, अर्जुन कोई बद्धजीव नहीं है, फिर भी अर्जुन भगवान का पार्षद है, फिर भी अर्जुन का अंदर में वैष्णवी प्रतिष्ठा का बारे में कोई नॉलेज नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये हो सकेगा नाटक है, ये लीला कर रहे, अर्जुन का अंदर में वैष्णवी प्रतिष्ठा का कुछ विषय समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया का जो भी चीजें हैं, जिस चीज करते रहते आदमी, ये भगवान का सेवा विचार करके कौन कर रहा है? ये अम्बरीश महाराज जी ने किया था, युधिष्ठिर महाराज जी ने किया था, पृथु महाराज जी ने किया था, कौन व्यक्ति ऐसा है जो कोई भी क्रियाकर्म करे तो भगवान का क्रियाकर्म है ये विचार लेके कर रहा है? कौन कर रहा है दिखाओ कर रहा है, कौन कर रहा है ये विचार लेके? जब तक ऐसा विचार ना हो जाए तब तक वैष्णवी प्रतिष्ठा आना संभव नहीं है। वैष्णवी प्रतिष्ठा के बारे में बहुत तर्क वितर्क चलते रहता है, आज से 25 साल पहले का और भी ज्यादा हो सकता है। 25 साल पहले गुरुजी को मैं निवेदन किया था इस विषय में, गुरुजी सारे जो सन्यासी है इस मठ से वो उस मठ से इधर आते रहते हैं, वो लोग मेरे को टोकते रहते हैं, अरे क्या करते हो श्यामल कृष्ण,
आपका कुछ नहीं होगा। आप देखो कैसा वैष्णव प्रतिष्ठा ये सब करते रहते हैं, प्रचार में जाते हैं, आप भी शिक्षित हो करो, तो आप तो सेकी हो इसका। इसमें हम बोले क्या बात है, वैष्णव प्रतिष्ठा बोल रहे हैं ये सब, देखो क्या सब विदेश जा रहा है कर रहा है, आपका अंदर में ये सब भाप पाप कुछ नहीं है, क्या बात है वैष्णव, आप नरक में जाओगे। ठीक है, गुरु जी को पूछ लेंगे। वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते कौर निष्ठा तहा न कोरी रे रवि बे रौरव रौरव मिन रौरव मिन नरक। अरे महाराज हमको नरक में जाना पड़ेगा, क्या बात है वैष्णवी प्रतिष्ठा कैसा है, ये उल्टा व्याख्या कर रहा है। हमारा अंदर में कोई ऐसा विचार आया कैसे हो सकता है ये। ठीक है गुरु जी को पूछ लेंगे। एक देव गुरु जी का साथ प्रश्न रख दिया, आप कृपा करके ये समाधान करने का प्रयत्न करें। गुरु जी मेरा अंदर में एक संशय पैदा हुआ, तो आम ऐसा जो ई मठ से ऊ मठ से सब आदमी बोलते रहते हैं कि आप हमारा आपका वैष्णवी प्रतिष्ठा में कोई श्रद्धा नहीं है तो हमको नरक में जाना पड़ेगा, तो आप कृपा करके वैष्णवी प्रतिष्ठा का बारे में व्याख्या करने का कृपा करें क्योंकि समझ में आ जाए। गुरु जी मुस्कुराया मेरा और देखा, मैं नादान हूं कुछ जानता भी नहीं हूं, और बोले ऐसा करो तुम पहले क्या समझा इसका बारे में व्याख्या करो, तो उसका बात मैं समझा दूं। पहले तुम क्या समझा वैष्णवी प्रतिष्ठा का बारे में, मेरा हरिकथा और गुरु वैष्णव का हरिकथा सुनते सुनते तुम्हारा अंदर में क्या भाव आया कि वैष्णवी प्रतिष्ठा क्या है, इसका बारे में तुम पहले अपना विचार बताओ, और उसका बाद अगर गलती हुए तो मैं बता दूं। तो मैंने बोला गुरु जी आपका कृपा के द्वारा आपका सामने बोलना तो ठीक नहीं है, तो फिर भी आप आज्ञा कर रहे हैं तो ठीक है। गुरु जी मेरे को लगता है जो गुरु का दास बनके पक्का दास बनके जो क्रियाकर्म करे उसका लिए जो प्रतिष्ठा आ रहा है वो प्रतिष्ठा गुरु जी का, गुरु जी हकदार है। जो लाभ प्रजा प्रतिष्ठा जो आ रहा है वो गुरु जी हकदार है, मेरा बुद्ध भी नहीं आना चाहिए। जो भी कुछ कर रहा है, मैं कर रहा हूं कि कोई कर रहा है, अगर ये विचार कर ये विचार रखे करे मैं करने वाला नहीं हूं, गुरुजी दास है, गुरुजी करा रहे करवा रहे हैं इसलिए कर रहा हूं, और जो भी प्रतिष्ठा लाभ पूजा प्रतिष्ठा आने वाला है आएगा आया हुआ है सब गुरुजी का ही है। एक चप्पल गुरुजी का जो खरम है, गुरुजी का जो खरम है चप्पल है, ये अपने आप किसी जगह जा नहीं सकता, हिल नहीं सकता, लेकिन अगर गुरुजी चप्पल को पहन ले, खरम को पहन ले और चल दिए तो यहाँ वहाँ का बहुत जगह जा सकता है गुरुजी। गुरुजी अगर चप्पल को पहन ले, खरम को पहन ले तो कोई भी जगह जा सकता। मैं गुरुजी का चप्पल हूँ, गुरुजी सवार हो जाए हृदय में तो कहीं भी जाए तो मैं जा सकता हूँ, विचार भी हृदय में प्रकटित हो जाएगा सिद्धांत भी। गुरु जी को बोला मेरा लगता है कि जो ये जो कोई भी क्रियाक्रम भक्ति राज्य का किया जाए उसका ये जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा आए सब चीज का हकदार गुरु जी है, मेरा कुछ नहीं, ये विचार अगर आई उसको वैष्णव। हाँ ठीक बताया, ठीक बताया, इसी को ही वैष्णव प्रतिष्ठा बोला जाए। हाँ अगर हजारों प्रचार हो जाए, सब कुछ हो जाए, हल्ला चिल्ली हल्ला गुल्ला हो गया, हजारों हजारों मठ भी खुल गया, प्रभुपाद जी कहले प्रचार कुछ नहीं हुआ, बिकॉज यू आर डिविएटेड फ्रॉम द ट्रैक ऑफ गुरुपाद पद्म। गुरु जी का जो दिखा हुआ रास्ता से अभट गया, इसका बारे में अगले हफ्ता चर्चा हो पाएगा। कुछ भी नहीं हुआ प्रचार, पहले अपना सामने प्रचार करो, पहले अपना सामने प्रचार करो, प्रचार करते करते जब ये महसूस होगा कि प्रचार हुआ है अपना सामने, मतलब आचरण में प्रतिष्ठित हो गया, तब जाओ। बद्ध जीवों को करुणा करने के लिए प्रचार मीन, प्रचार क्या है, प्रचार मीन टू शो मर्सी, कॉजलेस मर्सी ऑन जीवात्मा। प्रचार क्या है, प्रचार क्या नाटकबाजी है क्या, अमेरिका फ्रांस में जाए नाचा कूदा करे जो उल्टा पल्टा फिलोसॉफी बोली गया, प्रचार है क्या,
प्रचार का मतलब है बद्ध जीव के ऊपर करुणा का वर्षा करना। प्रचार का मतलब है बद्ध जीवों के ऊपर करुणा का वर्षा करना। करुणा है तुम्हारा अंदर में, कृष्ण शक्ति बिना नहीं भक्ति प्रवर्तन। यू कैन नॉट इंस्टॉल भक्ति इनसाइड अदर्स। इफ यू हैव नो भक्ति, कोई अपना अंदर में कोई भक्ति बोल के कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ आर्गुमेंट है, दिखावा है, है? कोई नाटकबाजी है, भक्ति बोल के कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो क्या प्रचार करेगा? और तो उत्पाटन करेगा, पूरा पूरा दुनिया को नरक में ले जाएगा। प्रभात कह रहे हैं जब तक हमारा भोग बुद्धि रहेगा, जगत को, जगत का जितना सारे आइटम है, जितना सारे व्यक्ति वस्तु है, जब तक हम मटेरियल एंजॉयमेंट का विचार लेके देखना दर्शन करें, तो मेरे लिए फांसी का फंदा बन के रह जाएगा। जगत का ऊपर कंट्रोलिंग करने का मॉनिटरी पावर, मैन पावर सारे बढ़ाकर बढ़ा चढ़ाकर ऐसा करे कि दुनिया मेरा कंट्रोल में रहे, ये उल्लू का पट्टा जानता नहीं, ये सबसे बड़ा फांसी का फंदा है। पोपा कह रहे दुनिया को मेरा बस में लाएंगे, चाहे पैसा का बल में, चाहे विद्या बल में, किसी भी हालत से मैन पावर के द्वारा, ये सरासर गलत है। प्रभुपाद कह रहे हैं जिसका विचार है दुनिया को हम अपना कंट्रोल में रखेंगे, जगतेर उपोर, जग बंगला में कह रहे हैं प्रभुपाद, जगतेर उपोर आधिपत्य विस्तार करवार विचार निये जे जगत दर्शन करे, सेटा तार बंधने सबसे बड़ो बंधने कारण है। दुनिया का ऊपर कब्जा करने का विचार लेकर जो दुनिया को दर्शन करते रहते हैं, ये टॉपमोस्ट बॉन्डेज है, सबसे बड़ा बंधेज है, बॉन्डेज है, बंधन। ईशावस्मिदम सर्वम यत्किंचित जगदम जगत, ये विचार में जब तक प्रतिष्ठित, उपनिषद का ये श्लोक है, उपनिषद का ये श्लोक है, जब तक ये उपनिषद का श्लोक में प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक कुछ नहीं होने वाला। ईशावस्मिदम सर्वम यत्किंचित जगदम जगत, हैं? ये विचार में जब तक प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक बिल्कुल कोई तरक्की होने का कोई चांस नहीं। तेनो तक तेनो भंजिता मां कश्यचित् धनम, दूसरे का धन संपत्ति में लोभ मत करो, जो ठाकुर जी दिया ईर्षा मत करो, माश्चर्य मत करो, ये महाराज प्रचार कर रहा है, महापुरुष है, करने दो, इसका पीछे लग रहा है, सब बंद करो, ये करो वो करो, कर रहे हैं ना माधव गोस्वामी महाराज जी, बावन गोस्वामी, उसका पीछे भी लगा, लोग बंद कर दो प्रचार, इसका नाम हो रहा है, इतना एनवियस है, इतना हिंगस्त्र है कि जंगल का पशु भी इतना हिंगस्त्र नहीं है, बाघ सिंह जो है, ये शेर जो है, इतना हिंगस्त्र नहीं है। आदमी का अंदर में जो जंगली जानवर बसते हैं इसको हटाना मुश्किल है। जंगल से एक जानवर को उठाकर पालतू बनाएं, ये हो भी सकता है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। जंगल से जंगली जानवर को उठाकर लाया, बहुत सारे ऐसा कहानी है, प्रैक्टिकल फैक्ट है। उदाला में एक साहेब फॉरेनर जंगल से एकदम एक टाइगर को उठा कर लाए, उसको पालन पोषण की, हो सकता है, कैसे हो नहीं सके। लेकिन अंदर में जो ये जो अंदर में जो जंगल है उसमें जो जानवर रहते हैं, हमारा अंदर में जो जानवर है, जंगली जानवर है, हिंगस्र जानवर है, फेरोसास, इसको हटाना एलिमिनेट करना सबसे बड़ा मुश्किल है। ये निष्कपट होके गुरु वैष्णव का कीचक कृपा का जांचना करे तो हो सकता है। जब तक कर्ता अहम इति मन्नते, ये बीजा जब तक है तब तक ये बांचने का कोई रास्ता नहीं।
शुद्ध भक्तों का संग हो जाए तब संभव है। वास्तव वास्तव शुद्ध भक्तों का संग जब हो जाए तब संभव है, नहीं तो अंदर का जो काम क्रोध लोभ मदम आश्चर्य ये सब है इसको हटाना नामुमकिन है, संभव नहीं। कृष्णदास को विराज गोस्वामी जी वे चैतन्य चरितमृत बताया, क्रोधादि न क्रम करी क्रोधादि न क्रम करी कबलिकत दुर्वासन निगड़स निराशयस चैतन्य चंद यदि नदम कृपा करोसी। क्रोधादि न क्रम करो, सारे जंगली जानवर का साथ किसी किसी दार्शनिक ने महाजनों ने विचार किया, कृष्णदास कविराज जिसमें एक्वाटिक एनिमल्स जो है शार्क है कोकोडाइल है वाइल है ऑक्टोपस है इसका साथ तुलना किया। ये कलिकाल है, भक्ति करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बुरा नहीं मानना, मैंने सच्चा बता दिया, किसी का हिम्मत है तो भक्ति कर ले, ए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का बाद अगर कुछ शब्द है वो लगाने से भी हमारा दोष नहीं आएगा। फिर भी पहले बताया था सबसे बड़ा आसानी काम कौन है, भक्ति है। प्रहलाद महाराज जी ने बताया, हे असुर बालक सबसे आसानी है भक्ति करना, कि भगवान सर्वत्र है, इसको ढूंढने के लिए जाने का दरकार नहीं है, भगवान है सामने, किसी भी हालत से पूजा कर लो चिंतन कर लो तो उसका भजन हो जाएगा। देवता लोगे अर्चन के लिए जाना पड़ेगा मार्केट में फूल लाओ फल लाओ, भगवान तो हैं आत्मत्वात् सर्वत्र हैं, जैसे आत्मा है सर्वत्र है ऐसा भगवान सर्वत्र है। भगवान अगर काम क्रोध लोभ मद आश्चर्य गर्व ऐसा अगर रहे तो कभी भी तरक्की होने का कोई चांस नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं किसी का हृदय में ऐसा पैदा हुआ इच्छा पैदा हुई यह मंगल चाहिए मेरे को वास्तव मंगल, प्रभुपाद कह रहे मंगलाकांक्षी व्यक्ति जिसको मंगल चाहिए एब्सोल्यूट गुड अल्टीमेट गुड, प्रभुपाद जी कहते इफ आई सीक द पाथ लीडिंग टू द एब्सोल्यूट गुड देन आई मस्ट इग्नोर द काउंटलेस वॉइसेस ऑफ पॉपुलर विजडम एंड लिसन ओनली टू दैट ऑफ द रियलाइजर। इसी बात को खुलासा किया, यदि अगर हमारा जिंदगी में अल्टीमेट गुड अंतिम मंगल चरम मंगल का इच्छा पैदा हुई तो नहीं तो दरकार नहीं, जैसे हो चलाते रहो अपना। मंगलाकांक्षी व्यक्ति अगर मंगल सचमुच अल्टीमेट मंगल चाहता है एब्सोल्यूट मंगल चाहता है तो कभी भी काम क्रोध लोभ मोह माद नाश्चर्य गर्व ये सब बीमारी से पीड़ित कोई प्रचारक है उसका सामने मत जाओ। इससे अच्छा घर में बैठे रहो। मंगलाकांक्षी व्यक्ति बहुत कह रहे हैं कि जिसका मंगल चाहिए वो कभी भी गलती से काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य गर्व अहंकार ये जो है इसी बीमारी से सब बीमारी से पीड़ित है ऐसा कोई आदमी का पास उसका जो प्रचार चल रहा है उसमें मत जाओ। अगर जाओगे तो दिव्य ज्ञान कभी भी उपलब्ध नहीं होगा। पापा कह रहे कभी भी नहीं हो सकता, नहीं। दिव्य ज्ञान प्राप्ति करने के लिए निष्काम महापुरुष का संग होना जरूरी है। निष्किंचनानाम न वृणीतो जावत प्रहलाद महाराज कह दिए, निष्किंचनानाम न वृणीतो जावत। निष्किंचन महापुरुष का चरण रस से जब तक अभिषेक ना हो पाया तब तक कोई मंगल का रास्ता नहीं है। हमारा कामना वासना प्रभुत्व प्रभु अभिमान मैं जुआड़ हूं मैं करता हूं मालिक हूं
ये इससे छुटकारा मिलने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है चैतन्य जो महत कृपा बिना, शास्त्रों में लिखा हुआ है महत कृपा बिना, शास्त्रों में लिखा हुआ है महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति न है, महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार न है कह। अरे कृष्ण भक्ति दूर की बात है, संसार का खय भी हो नहीं सकता। साधु संगो कृपा, साधु संगो कृपा किंबा कृष्णेर कृपाए कामादि दुस्संग छाड़ी शुद्ध भक्ति पाए। साधु संगो कृपा किंबा कृष्णेर कृपा, साधु संग का कृपा के द्वारा अथवा कृष्ण कृपा के द्वारा, विश्वनाथ चतुर्थी इस बारे में बहुत लिखा है, अचानक भगवान का भी कृपा हो सकता है। साधु संग कृपा किंबा कृष्णेर कृपाए कामादि दुस्संग छाड़ी शुद्ध भक्ति पाए। बिल्लमंगल ठाकुर, बिल्लमंगल ठाकुर इसको साधु संग ज्यादा नहीं हुआ था, भगवान का क्या करुणा हुआ कौन जाने, भगवान का कृपा उछल पड़ा। वो जो चिंतामणि जयती ये जो बोला, ये चिंतामणि शब्दों के द्वारा किसी के ना चिंतामणि भगवान को बोलता है, कोई को बोलता है चिंतामणि वेश्वा को गुरु माना, क्योंकि उसका एक वचन से उसका दिमाग घूम गया, वो भगवान का ओर चल पड़े। इसलिए हो सके एक एक टीकाकारों ने एक एक व्याख्या करते रहते हैं, चिंतामणि जयती सोम गुरु गुरु में ए सोम गुरु में और आनंद सिंहासन लब्ध दीक्षा इत्यादि बहुत सारे श्लोक है चैतन्य चरितमृत में जो भी है। तो इसमें बिल्लमंगल ठाकुर का साधु संघ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। अचानक इतना अंदर में इतना ग्लानि उपस्थित हुआ, अचानक अंदर में इतना ग्लानि उपस्थित हुआ, इतना घृणा पैदा हुआ, छी मेरा मापे के नीचा गिरा हुआ इंसान नहीं है, आंखें को फोड़ दिया कांटे से, इससे अच्छा कि मर जाऊं, मैं मर मिट जाऊं, जीने का कोई हक नहीं है मेरा। जब ऐसा आंखें को फोड़ दिया कांटे से, हाय हाय खून निकालना शुरू, हाय हाय क्या जाने भगवान का क्या करुणा है, कैसे भगवान का करुणा उछल पड़ा और उसको मार्ग दिखा के पूरा वृंदावन ले आए, पूरा मार्ग दिखा के वृंदावन ले आए, हाय हाय पूरा सारे 700 साल ब्रह्म कुंड का किनारे भजन करते करते आनंद रस का आस्वादन की, प्रिया प्रिया पितम का राधा गोविंद जी का जो लीला का जो अनोखा जो रहस्य है, ये आस्वादन करते करते सारे 700 साल गुजर गया, पता नहीं के लगा कि ये तो अभी अभी गुजर गया। जैसे रास लीला ब्रह्म रात्रि व्यापी, ब्रह्मा का एक रात कितना लंबा चौड़ा है सुनोगे सुनोगे तो पागल हो जाओगे। ये रास लीला ब्रह्म रात्रि व्यापी हुआ था, रासलीला हुई ब्रह्म रात्रि व्यापी, फिर भी गोपियों को लगा कि महाराज अभी तो शुरू हुआ, महाराज कुछ भी नहीं है, अभी खत्म कर दिया कैसे, मानो एब्जॉर्बिंग अटेंशन भगवान का और गुरु वैष्णव का और, जब तक भगवान का और गुरु वैष्णव का और जब तक आपका एब्जॉर्बिंग अटेंशन पैदा ना हो जाए, तब तक ही माया से छुटकारा मिलना संभव नहीं है, ये असंभव है। याद है ना जो श्लोक पोपा जी अक्सर व्याख्या करते थे, नौ निर्विन्न नाति शक्त भक्ति योग अस्वसिद्धि दो, निर्विन्न विषय से एकदम घृणा पैदा हुआ ये भी चलेगा नहीं, नाति शक्त अपने ऊपर ग्लानि उपस्थित हुआ बिल्लमंगल तो अलग बात है, भगवान का करुणा उछल पर, लेकिन भक्ति जो करिए
भगवान ने खुद बताया नौ निर्विन्न नौ टोटली घृणा पैदा हुआ है। जब किसी का प्रभुपाद का समय में बहुत सारी घटना है, अब बताने का टाइम भी नहीं है, हरिकथा का दो पांच घंटा चले जाओ फिर पता नहीं चलेगा कितना समय हुआ। प्रभुपाद का समय में, माधव गोस्वामी महाराज के समय में बहुत सारी घटनाएं याद पड़े तो बाद में बताएंगे, एक एक ब्रह्मचारी का एक एक कहानी तो पता चलेगा कि उसके अंदर में वैराग्य आया कि क्या आया। मैड्रास में एक घटना हुआ, हग्य ब्रह्मचारी हमारा भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज आशील संत गोस्वामी महाराज, वहां उस समय बहुत पहले का, आज का नहीं तो संत गोस्वामी महाराज एक दफे हग्य ब्रह्मचारी, प्रभु जी हमारा लगता है ये ब्रह्मचारी का डाल में कुछ काला है। बोले क्यों क्यों क्या बात है? बोले ये अक्सर थोड़ा बहुत आरती देखे कुछ देखे छट से घर में घुस जाए और घर में घुस के क्यार लगा के कुंडा लगा के बैठ जाए, तो ये बिल्कुल किसी के साथ बात भी नहीं करता कुछ नहीं करता, क्या बात है? तो हमारा लगता है इसका डाल में कुछ काला है। तो इसको पूछा गया वो ब्रह्मचारी को, बोले महाराज हमारा असत्संग से बचना है इसलिए मैं माधव गोस्वामी महाराज ने समझाया ये मठ में रहता है, हो सके कि पक्का नहीं है फिर भी इसका अंदर में तो गंदगी नहीं है, कुछ सेवा करता है, मासूम भाव है, तो इसका संग करने से तुम्हारा क्या गलती है? आप क्यों इसको घृणा करके अंदर में चले जाते? पर नहीं हमको असत्संग नहीं करना है, और खाना लेके अंदर चले जाए, कीर्तन हो जाए तो अंदर चले जाए। संत गोस्वामी महाराज ने पहले से ही बोल के रखा है हमारा को लगता है कि डाल में कुछ काला है, ये वैराग्य नहीं है, इसका अंदर में पैसिव काम है। पहले भी बहुत बार कह चुका हूं हरिकथा में, एक्टिव काम से पैसिव काम और खतरनाक है। डायरेक्टली देखा जाता है किसी का खिंचावट है कुछ विषय में, चलो ठीक है फिर भी हरिकथा सुन रहा है, साधु संग कर रहा है, उसका भावना में अगर बैठे गीता का ये सब विचार तो साधु संग क्या चीज है, असत्संग क्या है ये समझ में आए। हरिकथा सुनना जरूरी है, चाहे दुनिया हिल जाए, कोरोना क्यों कुछ भी हो जाए, प्रभुपाद कह रहे हरिकथा बंद मत करो, ये तुम्हारा प्राण है, ये तुम्हारा प्राण है, जीवन देने वाले हैं, हरिकथा मत सुनो, मत बंद करो, हरिकथा बंद मत करो, बहुत कष्ट करके अपना अपना जो वैराग्य युक्त वैराग्य का जिंदगी भगवान का सेवा में लगाने का कोशिश करो, तब तो कामयाब हो पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे उसका जो काला पर्दा है खोल गया, वो उसका अपराध हुआ, और अंदर में तो विषय तो है कामिनी कंचन का बारे में खिंचावट है, वो अपने को साबित करना चाहते कि हम बड़ा साधु है असत्संग, तू खुद असत्संग कर रहा है, तेरा अंदर में जो विकेट माइंड है, तेरा अंदर में जो खतरनाक खतरनाक मन है उसका संग तू कर रहा है, तू असत्संग तो कर ही रहा है, बाहर में ब्रह्मचारी का बात करे तो उसमें क्या हर्जा है, मूरख कहेगा। ओ महाराज बाद में पता चला अपना जो किताब है अपना जो पैकेज है धीरे धीरे किसी गृहस्थी का घर में ट्रांसफर किया, घर खाली कर दिया, और यो गृहस्थी ने किसी भी हालत से खबर दे दिया कि ये ब्रह्मचारी अपना सारे सामान जो है हमारा घर में छोड़ के जा रहा है। अब बाद में पता चला एक चिट्ठी आया, चिट्ठी में घर से चिट्ठी आया, तुम्हारा शादी का तैयारी हो गया, जो हुआ सो हुआ, अब आ जाओ जल्दी और ठीक से संभालो तुम्हारा घर। वो चला गया, संतों को सिमी ने हंसी उड़ाई, बोले पहले ही हमको लगा इसका डल में कुछ, ये वैराग्य नहीं है। तो अर्जुन का जो ये जो है वैराग्य, ये कन्फ्यूजन हो रहा है, सारे तमाम बाहरी आदमी बोल रहे गीता का जो उपदेश है ये क्या उपदेश है, गीता का अल्टीमेट उपदेश क्या है? अल्टीमेट उपदेश है भक्ति को दिखाना,
लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। पहले अपना कर्तव्य कर्म करो। अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय होने के नाते उसका ड्यूटी है करना वर्णाश्रम धर्म से लेकर सारे भगवान ने बोला गीता में अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्टैंडर्ड क्या स्टेटस है। कोरियामंड में 40 साल रहा, 50 साल, 60 साल रहा, उसका बाद भी मैं बोलते सुना हूं गोरियामठ में रह के मेरा जिंदगी क्वायल हो गया, स्पॉयल नहीं, स्पॉयल बोल नहीं सकता, बोला हमारा क्वायल हो गया जिंदगी, बोला तुम्हारा माफिक आदमी आए जहां भी जाए वो क्वायल कर देंगे अपना जिंदगी और दूसरे का जिंदगी क्वायल कर दो, बैठे बैठे खाओ। ये है हमारा भक्तों, भक्तों का समाज, गौरंग समाज, एक आर्टिकल निकल रहा है बहुत जल्दी, गौरंग समाज, सारे जो वीक पॉइंट है अभी चल रहा है सोसाइटी सब पता चलेगा, लेकिन अंग्रेजी में है, बाद में सोचेंगे बंगला में फोकस करने का। कौन करे सेवा करने वाला, कोई नहीं, कोई नहीं, सब उठपटांग अपना आराम आयस आराम का पीछे लग जुटे हुए हैं सब। अर्जुन का ड्यूटी है क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना, भगवान ये कर रहा है, ये ड्यूटी दिखाते 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 भगवान ने बोला निमित्त मात्र भव सब साचिन, तुम अपना कर्तव्य करो, निमित्त मात्र हो बन जाओ और फल का आशा मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु मदाचरेत्, फल हमारा है, कर्म मेरा है, तुमसे तुमको इंस्ट्रूमेंट बनाया मैंने, तुमको इंस्ट्रूमेंट बनाया, जैसे बताया था गुरुजी अगर खरम को पैर में पहन ले तो मैं गुरुजी का खरम हूं, गुरुजी कहां भी जाए मैं चल सकता, गुरु शक्ति गुरु कृपा ही केवलम। अब अर्जुन सोच में पड़ गया, महाराज मैंने तो ये तो विश्वरूप देखना चाहा, विश्वरूप देख भी लिया, घबरा गया। अब मेरा अंदर में ये विचार आया कि मैंने ठीक किया कि गलती किया, विश्वरूप देखे क्या किया मैंने, अब तो घबरा गया पहले बात। दूसरा बात है जो कृष्ण के साथ मैं मजाक उड़ाया, हंसी मजाक उड़ाया, दोस्त का मैं बिगड़ रहा, अब बीच में एक दीवार खड़ा हो गया। इतना दिन तक अर्जुन का साथ भगवान का साथ कृष्ण के साथ मजाक उड़ाया, ये अच्छा था कि अभी क्या हुआ, ये तो अनंत रूपी भगवान है, ये जानने का बाद मेरा अंदर में रुकावट आ रहा है, अरे मैंने गलती कर दिया, छी 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 ऐसा बताना ठीक नहीं था, तुम कृष्णो मेरे को क्षमा करो, आप मेरे को क्षमा करो, मेरा गलती हुआ, मेरा बहुत गलती हुआ, मैंने मजाक उड़ाया आपका साथ, गाली दिया, कुछ बहुत कुछ कहा, भजनो सज्जासन सेशु सज्जासन भजनेश सब समय आपका साथ, ऐसा ये तर्क की कृष्णो हे जादव ऐसा ये उचित नहीं था, हमको सम्मान देके बोलना था, हे श्री कृष्णो हे जदुकुलमणि ऐसा बोलना था, बोला नहीं, मैंने मजाक उड़ाया सब कोई के सामने या तो अकेला, अब तो मेरे को लगता है कि मैं बड़ा भारी अपराध किया। अर्जुन सोच में रह गए, अरे पहले अच्छा था कि अभी अच्छा है, पहले था कृष्ण मेरा दोस्त है ये तो अच्छा था, दोस्ती दोस्त यार है मजाक उड़ा बहुत कुछ, अब तो इस बीच में कांटे दियाल खड़ा हो गया, लगता है कि गलती किया, और कौन सी अच्छा था कौन सी बुरा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन सोच में पड़े फंस गया है, चलो ठीक है अभी एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ कृष्ण है जिसको जिसका साथ हंसी मजाक उड़ाया, एक तरफ है परात्पर अखिलेश्वर पर ब्रह्म अनंत रूपी हरि, किसका साथ संबंध जोड़ना अच्छा है, हैं? मैंने भी स्वरूप देखना चाहा और देखने के बाद घबरा गया, अरे क्या देखा,
और हेजिटेशन आ गया अंदर में, रुकावट आ गया, और अर्जुन इस भूमिका में एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ कृष्ण का संसार है, एक तरफ है ना भगवान अर्जुन को बोला अर्जुन तुम्हारा कर्तव्य कर्म करो, तुम्हारा तुम क्षत्रिय होने के नाचे चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभाग शाह, इसी हिसाब से तुमको अपना कर्तव्य कर्म करो, फल का चिंता मत करो। टोटली हर आदमी को वो तमाम समाज को एक सिस्टमेटाइज करने के लिए ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो ये जो टू सिस्टमेटाइज द होल सिस्टम ऑफ द समाज अपना अपना अधिकार के अनुसार। प्रभुपाद जी भी बहुत बहुत बार ये व्याख्या करते रहते थे, जैसे नॉन निर्विन्न नातिशक्त भक्ति योग सुसिद्धित, जिसका विषय का और खिंचावट नहीं है और घृणा भी नहीं है, उसके लिए ही भक्ति योग सिद्धि होता है। और एक बात ये है, जो एकादश अध्याय का एकादश अध्याय के जो विश्वरूप देखा निमित्त निमित्त और उसका बाद बहुत सारे बात बताया, तुल्य निंदा स्तुति मोहनी जो संतुष्ट केन चैन, अर्जुन को आस्ते आस्ते ग्रेजुअली धीरे धीरे यू नो सेकंड जो चैप्टर है उससे आगे चलते चलते धीरे धीरे का धीरे धीरे तरक्की करते करते कहाँ तक लाए भगवान, कहाँ तक लाया भगवान विचार बनाते बनाते। और अंतिम में एकादश अध्याय का जो एकदम एकादश अध्याय का 55 नंबर जो श्लोक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने तो ये सब उठपटंग चल रहा था, हरिकथा का नेट का, इसलिए इतना मत कर्म कृत है, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त हो संग वर्जित निर्वैरह सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। इसका पहले का श्लोक तो याद है ना, भक्ता तु अनन्या शक्यो अहम एवं विद अर्जुनो ज्ञातुम द्रष्टुम तत्तेन प्रवेष्टुं च परंतपः। इसका चर्चा भी होनी चाहिए। ये जो 11 अध्याय का जो निचोड़ है, भगवान ने अंतिम कंक्लूजन दिखा दिया, भक्ता तु अनन्या, भगवान ने कंक्लूजन में बोला अनन्य भक्ति के द्वारा, ये ध्यान देना इस बात पर, भक्ता तु, ये तू जो बोला ये तू का साथ लिंक है पहले का, बहुत सारे एडवाइस किया ना, बहुत सारे भगवान ने एडवाइस किया हैं, अतू इसका साथ लिंक बनाया, पहले बहुत सारे एडवाइस किया, किंतु भक्ता तू अनन्या शक्को संभव है अहम मेवं विधो अर्जुन ज्ञातुम, हमको जानना संभव है, हमको देखना संभव है, तत्तेन उसका बाद प्रवेष्टुम च परंतपः, इसका माने तो समझ में नहीं है, समझ में आया ठीक है ज्ञातुम जान सकते हैं, दृष्टुम ठीक है चलो, लेकिन प्रवेष्टुम ये क्या बात है, भगवान का अंदर में घुस जाए क्या, ये क्या माने है, भगवान का अंदर में घुस जाए क्या। याद है ना दो तीन हफ्ता पहले ये बताया था, ये गुरु जी का कृपा धीरे धीरे मिलने का बाद गुरु सेवा करते 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 गुरुमय हो जाना, ये बात बताया था ना दो तीन सप्ताह, याद है ना, नहीं है
गुरुमय हो जाना, मतलब गुरु जी का हृदय में प्रविष्ट हो जाना। जब तक गुरु जी का हृदय में प्रविष्ट ना हो जाए, गुरु जी का क्या ख्वाहिश है, क्या भाव है, ये समझ में नहीं आएगा। इस सिलसिले में याद है ना, मैंने एक उदाहरण देना चाहा लेकिन भूल गया, एक उदाहरण देना चाहा, ये इस बारे में बहुत जरूरी है। जैसे श्रीनिवास आचार्य जो है रामचंद्र कविराज, एक दफे श्रीनिवास आचार्य जो भजन में बैठा है, नाम नाम करते 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 नाममय हो गया, अपना देहश्रुति चला गया, कुछ नहीं है, लगता है कि श्रीनिवास आचार्य शरीर छोड़ दिया, एकदम कोई होश नहीं है, नाम करते करते इस स्थिति में चला गया, पहुंच गया कि कोई होश नहीं है। तमाम भक्तों लोग बड़ा चिंतित हो गया, रोना धोना शुरू हो गया, एकदम चीख चीखा चिल्ला, अरे क्या होगा, गुरु जी शरीर छोड़ दिया, कोई होश नहीं है। रामचंद्र कविराज ने बोला, ठहरो ठहरो ठहरो, चिल्लो मत। रामचंद्र कविराज को सबने प्रार्थना किया, आपका गुरुजी है, आप गुरुमय हैं, आप गुरुजी को खरीद लिया, गुरुजी का हृदय में प्रविष्ट हो गया, आप कृपा करके बताएं कि गुरुजी सॉरी छोड़ दिया कि क्या हुआ, कहाँ गया गुरुजी, आप तो इस अवस्था में आसन में बैठा हुआ, सिद्धासन में बैठा हुआ, इसमें स्पर्श करना भी उचित नहीं। रामचंद्र कविराज ने सारे भक्तों को बोला, आप सब बाहर जाओ, चुपचाप बैठो, मैं देख रहा हूं आप लोग का आशीर्वाद लेके गुरुजी कहां गया, गुरुजी क्यों जवाब नहीं दे रहा, आप लोग बाहर जाओ और हल्ला चिल्ला मत करो, बिल्कुल नाम करते रहो और मेरे को देखने दो, कृपा करके गुरुजी कहां गया। और घर का अंदर में कोई नहीं है, गुरुजी का पीछे बैठ गया, बैठ के नाम करते करते गुरुमय 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 हो गया, गुरुमय हो गया। और गुरु जी जहां है वहां पहुंच गया। रामचंद्र कविराज देख रहा है, दो दिन से कोई दाना पानी नहीं है, गुरु जी कहां गया। रामचंद्र देख रहा है जमुना का पानी में राधा रानी का जो नासा में जो बहुत कीमती एक ज्वेल है, नासा से खोलकर पानी में चला गया। और इस जोटीला कुटीला तो बड़ा टोकेगा, बहुत लड़ाई हो जाएगा इस पीछे, वो सारे सखी लोग हैं, वो सारे जल में पानी में उथल पथल कर रहा है, कहाँ गया, अरे सत्यनाश हो जाएगा। राधा रानी का नासा का जो नक्शापी है, नोजल रिंग, इसका जो कीमती जो है वहां हिरा गया। और वहां देगा गुरुजी वहां पहुंच गया, मणिमंजरी। वहां पहुंच गया रामचंद्र कविराज, वहां पहुंच गया, गुरुजी के साथ भेंट हुआ, गुरुजी क्या कर रहे हैं, वहां सारी चिंतित है। धीरे 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 गुरुजी को बुला के लाए इधर। आई बात समझ में, मेरा कहने का मतलब है गुरुजी मर गया, गुरुजी नहीं है, ये उल्लू का पट्ठा का विचार है। गुरुजी है, गुरुजी कहां गया, गुरुजी यहां है, गुरुजी कहां गया, गुरुजी तो है, गुरुजी है तो गुरुजी को देख नहीं पाते, अंधा। तो गुरुजी का साथी रहना है, गुरुजी का साथी रहना है। गुरु वैष्णव का गुणगान करो, गुणगान गुरु वैष्णव का चिंतन करते रहो, तन्मय हो जाओ। भजन का यही रहस्य है, भजन का यही रहस्य। बामन गोस्वामी में ये बोलते थे, तीर्थ महाराज भी, रोज गुरु वैष्णव का चरित्र के बारे में चिंता करो। रामानुजाचार्य जी ने बताए, लोग कम से रामानुजाचार्य, हम दिखा देंगे, गौड़ियों में प्रकाशित हुआ था, रामानुजाचार्य जी ने बताया, गुरुजी का जो महा गुरुजी का जो ग्लोरी है, गुरुजी का जो महान आदर्श है, इसका बारे में कम से कम एक दो घंटा रोज चर्चा करो,
अगर भक्ति चाहिए तो, नहीं तो नहीं करो, नहीं तो ऐसी घर में बैठे रहो आराम से। अगर भक्ति चाहिए तो रामानुजाचार्य बोला रोग गुरु जी का कथा, गुरु जी का जो आचार आदर्श हरि कथा गुरु जी का बारे में चर्चा करते रहो अगर भक्ति चाहिए तो, रामानुजाचार्य का यह आदेश है रोज। और गुरु वैष्णव का चिंता करने, गुरु तत्व भी अखंड तत्व है। हम अगर हमको आदेश, हमारा आदेश हुआ हमारा ऊपर, महाराज बामन गोस्वामी महाराज जी हमारा गुरु जी का बारे में आप लिखा भी जो, और लिखा अंग्रेजी भी चला गया बंगला भी चला गया और 100 साल का पूर्ति भी प्रकाशित होने वाले। अब ठाकुर जी जाने, हम तो तन्मय होकर लिखा था ठाकुर जी का, बामन गोस्वामी महाराज का चिंतन करते करते, और ठाकुर जाने कैसा हुआ, वो अगर संतुष्ट हुआ तो मेरा लिखनी सार्थक है, अगर बामन गोस्वामी महाराज संतुष्ट नहीं है तो क्या काम का है मेरा, हैं क्या काम का है ये सब, जो भी है गुरुमय हो जाना है ना। यहां जो ये जो 54 ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले हंगामा का कारण पूरा व्याख्या हो नहीं पाया, क्या करे होनहार का खेल है, ऐसे ही चल रहा है। भक्ता तू अनन्या शक्को अहम एवं विध अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम तत्तेन प्रवेष्टुं च परंतपः। हे अर्जुन, हे परंतप, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा हमारा स्वरूप का दर्शन हो सकता। कौन सी? तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, ये तो हो गया। इसका बाद सबसे अनोखा रूप है द्विभुज रूप, सबसे अनोखा रूप है द्विभुज, भगवान का द्विभुज चैतन्य चरितमृत। नरलीला, नरलीला इसका बारे में चैतन्य चरितमृत बताया, सुंदर बताया। नरबपु है नरलीला अनुरूप, नरलीला का अनुरूप है, इससे बढ़कर नहीं है, इतना सुंदर है। और सुंदर बताया तो देखो, नरलीला नरबपु करके दिखाया, इतना सुंदर मिठास है नरबपु में, ये रूप सबसे बड़ा अच्छा है, अनोखा रूप है, ये दिखाया। इसका बारे में अभी कह रहा है, ठीक है। ये अनन्य भक्ति के द्वारा परमेश्वर सर्वज्ञान होता है, इसका साथ साक्षात्कार होता है, हैं? ये ना, परंतु अर्जुन केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ईदृश हमारा जो स्वरूप है द्विभुज रूप कृष्ण स्वरूप अमृतमय, ये हमको जानना संभव है स्वरूप तो, और मुझ में प्रवेश करना संभव है, ये माने तो समझ में नहीं आए। प्रवेश करने का मतलब क्या है? प्रवेश करने का मतलब चतुश्रो की भागवत में है ना, है ये भी है चतुश्रो की भागवत। ये प्रवेश करने का मतलब है ये जो ज्ञातुम द्रष्टुम तत्तेन प्रवेष्टुं च परंतपः, हमारा अंदर में, हमारा अंदर में अनन्य भक्ति के द्वारा प्रवेश करना भी संभव है। जैसे हमने उदाहरण दिया रामचंद्र गर्व्यास कैसे गुरु जी का हृदय में प्रविष्ट हो गया, भक्तों भी, भक्तों और भगवान जब तन्मय हो जाता है एकाकार हो जाता, भगवान और भक्त का अंदर में कोई भेद नहीं रहता है, एकाकार हो जाता। इसी जगह भक्तों भगवान का जो भेद है ये अचिंत्य भेदाभेद का ऊपर बहुत सीक्रेसी है, भजन राज्य का बहुत सीक्रेट चीज है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व का ऊपर डिपेंडेड है। जब भी एकाकार हो गया भक्तों को ने भगवान की एकाकार हो गया, एकाकार फिर भी रसासाधन भाव आसाधन करने की अलग सा
विचार मनाया गया, ये भक्त है, ये भगवान है। असली बात तो ये है, पक्का बात तो ये है, भगवान और भक्तों में कोई भेद नहीं है, तन्मय हो जाता। जो भक्त है वो भगवान है, जो राधा रानी है वही कृष्ण है। श्यामा छबलम प्रपद्ये श्वेत स्वर उपनिषद है, छबलम श्यामम प्रपद्ये, इसका माने क्या है चर्चा हो पाएगा अगले दिन। तो जो भी है अभी ये श्लोक को ध्यान देना चाहिए। भक्त्या तु अनन्या शक्को अहम एवं विधो अर्जुनो ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपः। देखना समझना स्वरूप तो समझ पाना, उसके बाद मुरा अंदर में प्रविष्ट होना, भक्तो भगवान का अंदर में प्रविष्ट हो जाता है। प्रविष्ट हो जाए सेवा करते करते तन्मय हो गया, भगवान का हृदय में प्रविष्ट होके देख रहा है कि भगवान का क्या आशा इच्छा है, क्या चाहता है भगवान, भगवान का इच्छा का अनुरूप वो सेवा करे। इसलिए भक्ति के द्वारा जब प्रेम भक्ति तक पहुंच जाए, भाव भक्ति है, भाव भक्ति, उसके बाद धीरे धीरे आगे चलते चलते प्रेम भक्ति आएगा। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, एकदम प्रेम भक्ति जब पहुंचे और प्रेम भक्ति में पहुंचकर भगवान को विश्राम दिलाता है, खुद भी विश्राम लेता है आनंद से। प्रेम भक्ति सबसे बड़ा चीज है। इसी टारगेट लेकर गीता चल रहा है। कोई आदमी अगर कहे महाराज अर्जुन को क्षमा का युद्ध में लगा दिया काटा पीटी में, तो गलती है, वो समझा ही नहीं गीता। गीता का गौ भी समझा नहीं, कुछ भी समझा नहीं, इसलिए ऐसा बोल रहा है, गलत फहमी है उसका। भगवान का कोई इच्छा नहीं किसी को काटा पीटी कराए, नहीं, भगवान का उद्देश्य अंतिम में भक्ति दिखाया। और 55 नंबर श्लोक का व्याख्या करके आज छोड़ना पड़ेगा, अभी भी हम संतुष्ट नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा व्याख्या चाहिए। 11 स्कंद ऐसा चीज है, बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े फिलोसोफर जो है वो लोग का ऐसा दावी है कि महाराज 11 स्कंद में गीता खत्म होना चाहिए, तो हो गया और क्या। इसका बारे में अगले हफ्ता हम चर्चा करेंगे। बहुत बड़े बड़े दार्शनिक, मैंने माना 11 स्कंद आ गया तो सब कुछ हो गया, विश्व रूप दिखा दिया, भक्ति के बारे में सब कुछ बता, ज्ञान जो ज्ञान जो था सब कुछ दिखा दिया। अर्जुन स्पीचलेस हो गया, भगवान भी भक्तों का ऐसा अवस्था देख के वो भी चिंता में पड़ गया। ये गीता यहीं खत्म होनी चाहिए, इसका बारे में हम जवाब देंगे अगले हफ्ता। गीता यह खत्म नहीं है, गीता यह खत्म नहीं है, गीता एक गान है। गीता मतलब क्या है, कोई संस्कृत बांग्ला हिंदी किसी भी लैंग्वेज का नॉलेज रहे तो गीता इसका मान है रुद्र गीता, गोपी गीता है, भ्रमर गीता, जुगल गीता, कितना गीता है। गीता माने गान, ये कोई बनावटी बात नहीं है। गीता मतलब क्या है, गान है। अरे गान मतलब गान तो ठीक है, तुम्हारा गान का बारे में कोई नॉलेज है क्या। आप जो अभी बता दिया गीता यह खत्म होनी चाहिए, ये तो बता दिया, लेकिन ये गीता तो गान है, पर गान है तो क्या हुआ। अरे महाराज गान का ऐसा नियम है, गान का ऐसा नियम है जहां से शुरू करे गान धीरे धीरे चढ़ते रहे, चढ़ते 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 रहते, जब गान समाप्त होने वाला है आके जिस अवस्था में शुरू किया था। मैं संगीत का स्पेशलिस्ट नहीं हूं इसलिए पूरा बता नहीं सकता, फिर भी चर्चा करेंगे अगले हफ्ता। यहां आके खत्म है, मतलब गीता जो है अभी एक्सट्रीम पॉइंट में आ करते करते एकदम गाते गाते चरम, वहां से फिर लौट के आना है। लौट के कहां आना है इसका बारे में जवाब देंगे अगले हफ्ता। अब ये जो 55 नंबर का श्लोक है, गीता खत्म होनी चाहिए इधर, ये कोई
बात ही नहीं हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आदि जो वंदे मातरम लिखा है ना, वो सब बड़ा बड़ा पंडित, उन्होंने वंदे महाराज 11 स्कंद यही खत्म होनी चाहिए, तो हो गया और क्या है, क्या रखा है। भक्ति में ठाकुर ने ये बहुत बार समझाया ए वंदे मातरम वाले को है, वंदे मातरम वाले को भक्ति में ठाकुर जी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पोर्टफोलियो चेंज होने का चक्कर में था ना कृष्णनगर में, बहुत समझाया, देखा समझने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा भक्ति में ठाकुर के एडवाइस दे रहा है। भक्ति में ठाकुर चुप हो गया और गीता का कमेंट्री लिखा और भक्ति में ठाकुर भी लिखा, पोर्टफोलियो चेंज हो रहा है और धीरे धीरे फाइल समझा रहा है, बीच बीच में गीता का चर्चा हो रहा है, भक्ति में ठाकुर समझा, वो समझने के लिए तैयार नहीं है, वो सोचता है कि मैं पंडित हूँ सबसे बड़ा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भक्ति में ठाकुर आस अंतिम में छोड़ दिया, चल चल ठीक है, जो समझा वही, जो समझा समझा। वो कमेंट्री पास कर रहा है एक्चुअली टू से गीता 11 स्कंद में खत्म होनी चाहिए, हो गया और क्या, सब तो हो गया। अर्जुन चुप हो गया, विश्वरूप देखे भक्ति में ठाकुर, नहीं कैसे खत्म हो, ये तो बीच में फंस गया, अब तो संगीत चल रहा है, गीता है, गीता इज वन काइंड ऑफ सॉन्ग, संगीत का ये नियम है जहां जिस प्रकष्टते जिस 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 तान से शुरू करे अंतिम में संगीत को उठाकर एकदम चरम एक्सट्रीम पॉइंट, उसका बाद फिर लौट के आके खत्म करे, यहां खत्म है गीता, खत्म हो गया ऐसा बोलना ठीक नहीं है, वो समझ में नहीं है, सब मेटेरियल पंडित है, सब मेटेरियल पंडित है, मेटेरियल पंडित मतलब पंडित है ही नहीं। मेटेरियल पंडित कहने का मतलब है पंडित है ही नहीं, वो लोग पंडित है नहीं, पंडितो बंध मोक्षविद, अरे पंडित है तो समझ क्यों नहीं रहे, ये बंधन का कारण है तुम्हारा, तुम आर्गुमेंट कर रहे हैं भक्ति में ठाकुर के साथ है, पंडितो बंध मोक्षविद, जिसका कोई कॉमन सेंस नहीं है कि इसमें मेरा बंधन पक्का होगी, इसमें बंधन खुल जाएगा, इसका कॉमन सेंस नहीं है, वो कैसे पंडित है। 55 नंबर श्लोक में भगवान पूरा पोल पट्टी खोल दिया, पूरा क्या जो आगे में बोल दिया ना, सेकेंड कैंटो में, थर्ड फोर्थ कैंटो, फिफ्थ कैंटो, सिक्स कैंटो, सेवेंथ कैंटो, एट कैंटो, नाइन्थ कैंटो में, टेंथ कैंटो में, जो टेंथ कैंटो मतलब चैप्टर, कैंटो तो भागवत में लगता है, तो इसमें सारे जो धीरे धीरे बताते 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 भगवान अभी यहां तक आया, बहुत सारे हंगामा हो जाएगा नहीं समझने से, बताया था ना। मैया आसक्तो मनः पार्थो, ये सब श्लोक जो है सेवेंथ चैप्टर में, अप्रयाण काले मनसा चलेन धारयन, अष्टम चैप्टर में अध्याय में, और जोगो निष्ठा भक्ति एवं ज्ञान योग्येन चापि अन्य, नवम अध्याय में 19-15 नंबर श्लोक ज्ञान निष्ठा भक्ति के बारे में बताए, षष्ठ अध्याय में जोगिनामोपि सर्वेषां मद्गत अंतरात्मना, ये सब बताए, तो तमाम अध्याय में धीरे धीरे भगवान चक्का काटते काटते धीरे धीरे इधर तक आया, और ये जो अंतिम श्लोक है इसे में रहस्य है, इसका ध्यान लगाना चाहिए, तब तो गीता रहस्य ध्यान का पता चलेगा। जब मछली जब ऊपर रहे समुन्द्र के ऊपर और दिखेगा, और जब मछली ऑक्सीजन लेकर ऊपर एकदम नीचे चले जाए गहरा, उस समय कितना सारे ज्वेल है मनी मुक्ता समुन्द्र का, इसलिए समुन्द्र को रत्नाकर, समुन्द्र को रत्नाकर क्यों बोला जाता है, ऊपर में लहर का उद्दाम है, इतना भयावह है, भयंकर है, लेकिन नीचे में जाओ सन्नाटा है, कोई हल्ला चिल्ला नहीं है, अंदर में समुन्द्र का गहरा बीच में 20,000 लीग अंडर द सी, वहां जाओ तो देखोगे महाराज वह इतना ज्वेल है, हीरे मोती सब नीचे में है,
है ना। गीता का ऊपर ऊपर चल चक्का काटते रहोगे तो ऐसा ही लगेगा महाराज क्या रखा है इसमें, लेकिन डुबकी लगाओ तो उसमें कितना जेवरत मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा इसमें। अरे महाराज गीता जब भी प्रभुपाद जी ने बताए गीता इज द इन्फिनिटी, गीता इस वाला ये बोला जाता है इन्फेंट क्लास का स्टडी है, फिर भी गीता इज द इंट्रेंस ऑफ भक्ति, ये भूलना नहीं। गौड़ीय दर्शन है, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है, गीता है प्रवेश करने का शिक्षा मंदिर में। गीता ना समझे तो कोई भी महाराज हो, कोई भी महाराज हो, कोई भी आचार्य हो, कोई भी हो, इसका बिल्डिंग कलप्स होगा, एकदम कलप्स, धूलिस शाफ्ट मिट्टी में मिल जाएगा। फाउंडेशन इज गीता, फाउंडेशन अगर पक्का हो जाए कोई भी बिल्डिंग बना लो बिल्डिंग टिकेगा, फाउंडेशन अगर नहीं है तो कोई भी कुछ भी करे तो कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकता है, ये समझ के लेना। यू विल हैव टू टेक दिस गीता वेरी सीरियसली इन योर लाइफ, आपका जिंदगी में गीता को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, बहुत 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 सोच समझ के चलना है। नहीं तो हम गौरी मठ भक्त है, मैंने 20 साल हो गया दिखा लिया है, सारे बेकार हो जाएगा, ये आपका घमंड है, ये फॉल्स ईगो है, सारे मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए आप लोग चरण में मेरा विनती है, पहले गीता का फाउंडेशन बनाओ, जिसका ऊपर भक्ति का इमारत बन जाएगी, नहीं तो पूरा के पूरा खत्म हो जाएगा। किसी का बात मत सुनो, किसी का मत, कोई आचार्य जो उल्टा पलटा बात बताया उसका मत सुनो। ये मैं ना भक्तिविनोद ठाकुर बहुपात का बात कह रहा हूं, एक भी मेरा अपना सिद्धांत तो नहीं है, अगर जवान से भी निकल भी गया एक सिद्धांत तो दिखा, ये प्रभुपात का सिद्धांत है और भक्तिविनोद ठाकुर का सिद्धांत से जो टैली कर रहा है, मनमानी सिद्धांत तो चलता नहीं। जो भी है आज खत्म करने का पहले ये विचार बनाओ, खत्म करने का पहले ये विचार बनाओ कि क्यों 55 नंबर श्लोक में क्या विशेष है महाराज, पहले पूरा पोल पट्टी खोल दिया भगवान, पूरा दिखाया क्या रहस्य है। मत कर्म कित मत परमो मत भक्त हो संगो वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु या स माम एति पांडव, वही मेरा पास आ सकता है जो मत कर्म कित मेरा कर्म किया है, हैं मत कर्म कित मत जो मत कर्म कित मत परमो मत भक्त हो संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति अर्जुन, वो मेरा पास आ सकता है। मत कर्म कित ये शब्दों के द्वारा आगे 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 अध्याय में जितना सारे बताया, कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग राजयोग सारे खुलासा कर दिया। मत कर्म कित इसका माने है मत कर्म कृत, इसके द्वारा पदे कर्म योग का सार कथा फिर उठाया, जिसका हिम्मत है ले लो, जिसका हिम्मत नहीं तो नहीं लो। मत कर्म कित इसके द्वारा भगवान ने इशारा कर दिया, मत कर्म कित अर्जुन ये मत कर्म कित ये शब्दों के द्वारा तेरे को इशारा दिया, ये कर्म योग का निचोर है, इट इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ कर्म योग। ठीक है, समझ में आए, आई बात समझ में। निर्वैर सर्वभूतेषु इस पद के द्वारा, इस शब्दों के द्वारा ज्ञान योग का परम संवाद दिया, लेकिन कब आदमी निर्वैर हो सकता है ये बताओ, पहले कब कोई जीवात्मा कोई व्यक्ति कब निर्वैरो सर्वभूतेषु, हर जीवों का पति निर्वैरो कब संभव है, हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सचति न कंकति समो सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते, याद है ना, ये सब बहुत चर्चा किया पहले। निर्वैरो सर्वभूतेषु इसके द्वारा भगवान कहना चाहा
कि एक ज्ञान योग का परम संवाद निचोर है। अर्जुन मेरा कर्म योग का निचोर है मत कर्म कृत, मेरा ज्ञान योग का निचोर है, ये ज्ञान योग का निचोर है निर्वैर सर्वभूतेषु और संग वर्जित शब्दों के द्वारा योग मार्ग का मूल वार्ता। क्योंकि योग मार्ग का मूल फाउंडेशन क्या है विचार करके देखो, योग मार्ग का क्या बेसिक फाउंडेशन है। योग मार्ग के नियम है जो हमारा जो चित्तवृत्ति, हमारा चित्तवृत्ति कहां 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 भाग रहा है। योग चित्तवृत्ति निरोध, पाणिनि जी बताया योगस्तु चित्तवृत्ति निरोध, पाणिनि जी ने बताया। जब भी पाणिनि का सब विचार हम लेने के लिए तैयार नहीं है, यहां आया एक प्रसंग इसलिए बताया, पाणिनि बोल रहा है। क्या बता रहे हैं, योगस्तु योग क्या है, योग क्या है चित्तवृत्त निरोध, चित्त को निरोध करना। निरोध मतलब तमाम विषयों का ओर, तमाम विषयों का ओर भाग रहा है। अरे महाराज चारों विषय का ओर भाग रहा है, ए इधर तमाम मन को स्कैटर्ड माइंड लाइक मारकरी जानते हो, पारा एक थर्मामीटर अगर टूट जाए तो पारा जो है मरकरी जो है इसका अंदर कैपिलरी का अंदर में जो है वो बिखर जाएगा चारों। मैं प्रैक्टिकली जिंदगी में देखा, मेरा हाथ से ही गिर गया था, अरे पिताजी ने पिटाई किया है और चारों ओर बिखर गया, पारा है मैं मरकरी है। ये जो मरकरी है इसको उठाना संभव नहीं, मन को भी इकट्ठा करना बिल्कुल असंभव है, मन चारों ओर दौड़ रहा है लेकिन उसको तमाम चीजों से भगाकर ए इधर एक जगह लगाना, वन पॉइंटेड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू मनहा दुर्निग्रहम चलम, ये बताया कृष्ण ने बोला है मैं जानता हूं ये असंभव है मन को कंट्रोल में ना। बट अर्जुन को भगवान ने बताया यस मैं जानता हूं, फिर भी एक रास्ता है, वो क्या है, अभ्यासेन अतु कुंतियो वैराग्येण च गृह्यते। यहां वैराग्य का मतलब है विषय से हटा के तुम ला सकते हो लेकिन तुमको अभ्यास चाहिए। ये अभ्यास जो के बारे में पहले बताया था और इसका सबसे बड़ा उपदेश है भगवान उद्धव जी को बताया, वो देखो ये मन को हटाकर पूरा भगवान में लगाना संभव नहीं, लेकिन एक बात तो पक्का है, जो माइंड का जनरल टेंडेंसी क्या है, जहाँ अच्छा वस्तु है उस तक जाता, जहाँ अच्छा कुछ है ना वहां जाता है। अच्छा मतलब माया का अंदर में रहते हुए जिसको अच्छा समझते हो उसका अंदर मन जाए, अच्छा मतलब ये समझे ना सबसे परमार्थिक, अच्छा मतलब ये जनरल टर्म। वो अगर माया का कोई विषय मन में भावना की अच्छा है वही अच्छा उसका लिए वहां मन जाएगा, लेकिन मन को पूरा इकट्ठा करके एक जगह लगाना ये योग का बेसिक। योगस्तु चित्त निरोध, योग का मतलब है चित्त को निरोध करना, अरे भागा दौड़ी मत कर एक जगह लगा। ये तो ये जो है संगो वर्जित, संगो कपिल मुनि का ये बात आ रहा है, संगो जो संसत रहतो हो असस्व विहितो धिया सैव सदुसुकितः निसंगताय कल्पते। देवाहुति माता को बताएं ये संगो है, मेटेरियल संगो है, ये बंधन का कारण बनेगा, बंधन का कारण ये संगो। अगर साधु संगो हो जाए साधु का साथ तो यही संगो निसंगताय कल्पते, मतलब जड़ विषय का संगो छोड़कर आप प्राकृत विषय निसंगताय कल्पते, मतलब जड़ विषय का संगो से रिहा हो जाना ये संभव है। संगो जो संसते रहते हो असत्व भीतो धिया, असत मतलब अनित्य वस्तु के साथ संग होने के कारण हमारा बंधन है, हर हम ये संगो को हटाकर साधु गुरु वैष्णव भगवान का कथा इसका संग करते रहे तो उसमें कोई विपत्ति नहीं है। क्या विपत्ति है, इसमें तो मन लग जाएगा भगवान में, तब
तब कपिल जी ने बताया संगो जो संस्थित हेतु हो संगो जो संस्थित हेतु हो असस्वीत धिया स्वेव साधु सुकृत मक्षदारम अपावृत। एक श्लोक व्याख्या और हम तो दो श्लोक से एक एक शब्द लेके व्याख्या किया। ओरिजिनली श्लोक है संगो जो संस्थित हेतु असस्वीत धिया स्वेव साधु सुकृत है निस्संग ताय कल्पते निस्संग बन जाओगे अर्थात मेटेरियल संग से परे हो जाओगे। देखो भगवान कितना चतुर है निस्संग शब्दों के द्वारा जोग मार्ग का जो तेरे को अर्जुन बताया था पहले पहले बहुत सारे उपदेश इसका निचोड़ है संग वर्जित हो जाना निस्संग हो जाना ये जोग मार्ग का मूल वार्ता है। मत भक्तो ये भी बताया मत कर्म कीत मत परमो मत भक्तो संगो वर्जित निर्वय रहा सर्व सब इशारा कर दिया मत भक्तो ये पद के द्वारा ये शब्दों के द्वारा भक्ति मार्ग का सर्वजनीन संवाद भक्ति मार्ग का सर्वजनीन टॉप मोस्ट संवाद घोषित हो जाएगा धीरे धीरे हम दिखा देंगे। इतना तक तो बहुत बार भगवान कहे पहले श्लोक भी बताए भक्ता तु अनन्या शक्यो अहम एवं विध अर्जुनो ज्ञातुम दृष्टुम तत्तेन प्रविष्टुम च परंतप ये तो बोला भक्ति योग का यहां भी इशारा कर रहा है मद भक्तो पदे भक्ति मार्ग का एब्सोल्यूट संवाद। मत परमो शब्दों के द्वारा मत परमो ये जो शब्द दिया है मत परमो मत भक्तो ये मत परमो शब्द के द्वारा पराभक्ति अर्थात प्रेम भक्ति का इशारा किया। अर्जुन तू अगर समझदार है समझ जा मैं क्या कहना चाहता हूं। बहुत सारे चर्चा करने का समय नहीं दिया आप लोगों ने इसीलिए क्षमा मांगता हूं आप लोगों के चरण में। यहां कथा का विश्राम जरूरी है दूसरा कथा शुरू होगी। नास्ता धर्मे न वसुनिचये नैव काम भोगे जद भाव्यम तद भवत भगवान पूर्व कर्मान रूपम एतात् पार्थम ममो बहुमतम जन्म जन्मांतरियोपि तत्पादंबरुहो जुगगता निश्चला भक्तिरस्तु वांछा कल्पतरुष्य के बासिंद पतितानं पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः।